वेल हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइड ड्रीम। देखिए, हर बात के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है और हम उन्हीं कहानियों को आज बाहर निकाल कर लेकर आए हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भाग क्यों रहे हैं, क्या वो हिंदुत्व की वजह से भाग रहे हैं या फिर ईडी सीबीआई की वजह से भाग रहे हैं और या फिर उनके मन में लालच आ चुका है। लोग 30-30 साल से कांग्रेस पार्टी में मलाइयां खा रहे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने उनको थोड़ा सा टाइट किया ना, उनको तुरंत हिंदुत्व याद आ गया। सर, 30-30 सालों से जब पार्टी में थे, पार्टी के साथ में मलाइयां खा रहे थे, पार्टी ने राज्यसभा भेजा, लोकसभा भेजा और पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया ऐसे लोगों के साथ में, लेकिन जरा सा पार्टी को लगा कि इनकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है तो उनको पीछे करके थोड़े नए लोगों को आगे लाने की कोशिश की, तब ये सारे के सारे लोग बागी हो गए। खैर, आज जितने भी नेता या प्रवक्ता पार्टी से निकल रहे हैं वो एकमात्र बात कह रहे हैं कि हम तो हिंदुत्व की वजह से हैं, हम तो हिंदुत्व की वजह से निकले हैं, कांग्रेस हिंदुत्व के खिलाफ है, कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है, कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस सत्ता में आई तो ये कर देगी। हम इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं, प्लीज यार वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। देखिए, मैं कभी भी एक तरफा बात नहीं करता, जो बात सत्य होती है मैं वही कहता हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं मोदी भक्त हूँ और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो में कभी भी किसी चीज का रुझान एक तरफ बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के इन हालातों के जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस के बुजुर्ग नेता भी हैं जो आज तक कांग्रेस में ठुल्ला जमाए बैठे हैं और मानो कि ऊपर वाले के यहाँ से वो लोग सिंहासन लेकर के आए हैं, जो हटना ही नहीं चाह रहे और उनकी वजह से नए नए युवा लोगों को मौका नहीं मिल रहा है और जो अच्छे प्रतिभावान लोग हैं उनको भी मौका नहीं मिल रहा और जिनको मौका मिल रहा है उनको बीजेपी उठाकर ले जाती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नए लोगों को मौका नहीं दिया, जहां तक हो सकता है कांग्रेस नए लोगों को भी बहुत मौका देती है। अब जैसे कि तुम्हारे कन्हैया कुमार जैसे कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया, लेकिन एंड ऑफ द एंड अगर जरी सी कांग्रेस से थोड़ी सी भी उनके प्रति गलती हुई वो लोग तुरंत भाग गए। ऐसे ही कुछ 4-5 लोगों की लिस्ट हमने निकाली है और हम उन्हीं 4-5 लोगों पर बात करेंगे, शंकराचार्य जी पर, राधिका खेड़ा जी पर, सौरभ वल्लभ जी पर, हार्दिक पटेल पर और गुलाम नबी आजाद पर भी। दोस्तों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजनेता की कोई विचारधारा नहीं होती, उसकी विचारधारा पैसा और पावर और शोहरत होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। आप सबसे पहले बात करते हैं शंकराचार्य जी के। शंकराचार्य जी पिछले 31 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे और फिर एक दिन ऐसा आया कि कांग्रेस पार्टी की ईडब्ल्यूसी की लिस्ट आती है और उस लिस्ट से शंकराचार्य जी बाहर हो गए। जैसे ही ये इस लिस्ट से बाहर हुए हैं, इन्होंने कांग्रेस से बगावत शुरू कर दी और कांग्रेस के खिलाफ अपने बयान देने शुरू कर दिए और श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में इन्होंने बयान देना शुरू कर दिए। जब कांग्रेस ने इस चीज को देखा तो कांग्रेस ने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और जैसे ही ये पार्टी से निष्कासित हुए हैं तो अब इनके बयान आते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही राम मंदिर में ताला लगवा देगी। कांग्रेस आई तो क्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाएगा? क्या कांग्रेस पहले से ही शाहबानो पार्ट 2, मैं समझाऊंगा इसका मतलब, बस सुनते जाइए, शाहबानो पार्ट 2 की तैयारी करके बैठी है? अरे भैया, शाहबानो का केस भी तुम ही जैसे लोगों ने राजीव गांधी से पलटवाया था। क्यों पलटवाया था, उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री आपको पता है? खैर, इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे, इतना डीपली हम अभी नहीं जाते। अगर आपको वीडियो चाहिए पूरी तो फिर मैं इस पर भी रिसर्च करके आपको वीडियो बनाकर दूंगा। और अब तो शंकराचार्य जी ने एक बात और कही कि जो लोग श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देंगे वो लोग देशद्रोही हैं। तो सबसे पहले शंकराचार्य जी, 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी को 31% वोट पड़े थे पूरे देश के और 2019 में 37% वोट पड़े लगभग नरेंद्र मोदी जी को। अब 37% वोट पड़े थे तो फिर 63% जो वोट थे वो सारे के सारे देशद्रोही हो गए क्या, जिसमें से एक आप भी थे? आपने भी 2019 में नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दिया था, आप भी उनके खिलाफ थे। अरे सर, क्यों लोकतंत्र की रेड़ लगाने पे लगे हुए हो आप? सिर्फ अपने फायदे के लिए आप देश को इस तरह से बरगला रहे हो। अब ये हो गई शंकराचार्य जी की बात, अब आते हैं राधिका जी पर। और राधिका जी कह रही हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी से इसलिए इस्तीफा दे रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के पक्ष में नहीं है, कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी हमें मंदिर जाने से रोकती है, कांग्रेस पार्टी हमें जय श्री राम का नारा लगाने से रोकती है, कांग्रेस पार्टी ये करती है, कांग्रेस पार्टी वो करती है। मैं राम मंदिर होके आई तो मुझे सजा दी गई, मैंने रामलला की मूर्ति की स्थापना का जश्न अपने घर में बनाया तो मुझे सजा दी गई। अब तो इन्होंने इतने घिनौने इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगा दिए कि मानो कि कांग्रेस पार्टी ना हो गई, वो राक्षसों की पार्टी हो गई। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि पिछले 30-35 सालों से यही मैडम कांग्रेस के साथ में काम कर रही है। इनके जो ट्वीट है जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं ना,
उसमें एक ट्वीट में तो कहती फिर रही है ये कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और मेरा खून कांग्रेस पार्टी में लगा हुआ है, ये है वो है, 10 तरह की बातें कर रही है। और ये छोड़ो, जब कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव भल्लभ जी पार्टी छोड़कर गए थे तब यही राधिका मैडम थी जिन्होंने कहा था कि स्वयं राम मंदिर होके आई हूँ, दर्शन करके आई हूँ, ना मेरी पार्टी में किसी ने मुझे रोका, अभी 4 दिन पहले ही होके आई हूँ, खुद श्री राम जी के दर्शन करके आई हूँ और मेरी पार्टी में कोई विरोध नहीं हुआ और मेरी पार्टी तो श्री राम जी के पक्ष में है। इन्होंने 1000 तरह की बातें कही थी जब ये कांग्रेस में थी, लेकिन जैसे ही ये कांग्रेस से निकलती है तो फिर इनका रोना धोना शुरू हो जाता है कि कांग्रेस हिंदुत्व के खिलाफ है, कांग्रेस इनके खिलाफ है, कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है, कांग्रेस राम मंदिर पर ताला लगवा देगी, कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर देगी। जिस दिन से मैं रामलला के दर्शन करके आई, जिस दिन से मैं प्राण प्रतिष्ठा को अपने घर में भव्य तरीके से मनाया, तो उस दिन से तकलीफ होनी शुरू हो गई। मंदिर को हटाने के लिए शाहबानो टाइप फैसला कुछ कर सकते, ये पॉसिबल है? शाहबानो वाला फैसला हुआ तो ये क्यों नहीं होगा? और राहुल गांधी बिल्कुल ऐसा कह सकते, कर सकते हैं बिल्कुल, और बहुत जिम्मेदार। राहुल गांधी बाबरी बनवाएंगे, मंदिर हटाएंगे, हो सकता है। मैडम, इतने सालों से जब आप कांग्रेस में थी तब आपको ख्याल नहीं आया, तब आपको कांग्रेस की विचारधारा पर शक नहीं हुआ? मैं बताता हूँ क्यों आपको तब कांग्रेस की विचारधारा पर शक नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी और आप सब लोग मलाई खा रहे थे, तब आपको हिंदुत्व खतरे में नहीं लगा। मैडम, हिंदुत्व खतरे में नहीं है, हिंदुत्व को आप जैसे लोग खतरे में डाल रहे हैं इस तरह की बातें कर करके। अब कांग्रेस पार्टी से लोग इसलिए ज्यादातर निकल रहे हैं क्योंकि जितने भी ओल्ड एज लोग हैं, जो बेस्टेज लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, बेस्टेज लोग जो कि मतलब जिनको कोई और काम नहीं था, बस कांग्रेस पार्टी की मलाई खाना था, ऐसे लोगों को कांग्रेस थोड़ा थोड़ा साइड कर रही है और नए लोगों को लेके आने की कोशिश कर रही है जिससे कि पार्टी में कुछ सुधार आए और वो लोग पार्टी के लिए कुछ करें और इससे उन लोगों का भी भला हो। आपने एक इल्जाम लगाया कि आपके साथ छेड़छाड़ की गई, तो सबसे पहले तो आप जाती पुलिस के पास में, कंप्लेन लिखवाती और उसके बाद फिर आप पार्टी छोड़ के जहां जाती चली जाती। लेकिन पुलिस सबसे इंपॉर्टेंट है, पुलिस के पास जाइए, अपनी कंप्लेन तो लिखवाती पहले जाकर के। लेकिन आपने कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई, कोई कुछ नहीं लिखवाया, बस इल्जाम डाल दिया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। खैर छोड़िए दोस्तों, अब हम चलते हैं गुलाम नबी आजाद की तरफ। कश्मीर में इंडियन यूथ कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाले गुलाम नबी आजाद लगभग 50 सालों से कांग्रेस में रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया है, इंदिरा गांधी के साथ में भी वो मंत्री रहे हैं कैबिनेट में, राजीव गांधी जी के साथ में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और नरसिम्हा राव जी के टाइम पर भी वो कैबिनेट में रहे और मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी वो कैबिनेट में रहे, और पार्टी ने इन्हें 5 बार राज्यसभा सांसद भी बनाया और ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि पार्टी ने इन्हें बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर रखा है, लेकिन ये भी फिर पार्टी से नाराज हो गए। नाराजी का कारण यही था क्योंकि इनको अंदर खाने से ये भनक लग गई कि इस बार पार्टी इनको राज्यसभा नहीं भेजेगी, और जैसे ही 2021 आया है, जैसे ही इनकी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ है, वैसे ही इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर सिलसिला शुरू होता है पार्टी की बुराइयों का, नरेंद्र मोदी जी की अच्छाइयों का, और कहते फिर रहे थे कि मुसलमानों के साथ इस पार्टी ने ये किया, मुसलमानों के साथ वो किया। सर, 50 साल तक आप कैबिनेट में रहे, आपने मुसलमानों के साथ क्या किया, आपने क्या किया मुसलमानों के साथ में? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो पड़ी होती थोड़ी सी, वो सब आप ही लोगों की देन है, आप जो रहनुमा थे ना मुसलमानों के, कश्मीर में इतने ज्यादा हालात खराब हुए किसकी वजह से हुए? आप लोगों की वजह से। आप तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भी रहे थे। आज आर्टिकल 370 हट गई है, कम से कम ये तो है कि वहां पे लोग सुकून से तो हैं। आतंकवादियों की तो वहां पर कोई इतनी ज्यादा गतिविधि नहीं होती अब, आपके टाइम पर होती थी। जो फैक्ट है वो है, जिस वक्त राहुल गांधी की सदस्यता गई थी उसके कुछ दिनों के बाद ही राहुल गांधी से उनका घर खाली करा लिया गया था, लेकिन गुलाम नबी आजाद की सदस्यता गए हुए लगभग 3-4 साल होने को आ गए हैं, इनसे आज तक घर खाली नहीं कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध करती है कि भैया आप तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये बी टीम है आप बीजेपी की, आप तो शुरू से बीजेपी की बी टीम रहे होंगे फिर, या पैसे और शोहरत की जो कनक है उसने आपको इस तरह का बना दिया। अब बात कर लेते हैं गौरव भल्लभ की। जब इन्होंने पार्टी को छोड़ा तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इनसे सनातन धर्म के खिलाफ बोलने को कहा जाता था, और इन्होंने ये भी कहा कि आप राम मंदिर के दर्शन भी नहीं करने जा सकते और आप राम मंदिर के नारे भी नहीं लगा सकते, और भी इन्होंने खतरनाक 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 इल्जाम लगाए थे। लेकिन सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। गौरव वल्लभ जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी हैं। गौरव जी ने पहली बार 2019 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और ये जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़े थे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर जी के खिलाफ।
क्या हुआ, इनकी जमानत वहां पर जब्त हो गई और ये पूरी तरह से हार गए। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री जी भी हारे थे। अब ये फिर से 2024 में इलेक्शन के लिए टिकट मांग रहे थे हरियाणा की किसी जगह से। पार्टी ने साफ साफ इनकार कर दिया क्योंकि पार्टी इस बार थोड़े मजबूती से लड़ रही है, कोई गलती नहीं चाहती, बस इतना करना था और इन्होंने पार्टी छोड़ दी। और पार्टी छोड़ने के बाद में एकमात्र जो बहाना होता है कांग्रेस पार्टी से जाने के बाद लोगों का, वो यही होता है हिंदुत्व, श्री राम जी का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हजार तरह की बातें करके और ये लोग बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। सर, इतने दिन से कांग्रेस की आप मलाई खा रहे थे, कांग्रेस से पैसा ले रहे थे, सब कुछ हो रहा था, इज्जत शोहरत कांग्रेस आपको दे रही थी, तब आपको हिंदुत्व याद नहीं आया, तब आपको आपकी विचारधारा याद नहीं आई, अभी क्यों आपको आपकी विचारधारा याद आ रही है। अब आते हैं हार्दिक पटेल साहब की तरफ। हार्दिक पटेल साहब जो 22 साल की एज में एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, लगभग 70-75 हजार लोग इनकी रैली में शामिल होते हैं, बड़ा शानदार आंदोलन रहता है। आंदोलन क्या था? आंदोलन ये था कि हमारी जो पटेल जाति है उसको आप ओबीसी में डालो, जिससे कि हमारे लोगों को भी आरक्षण मिल सके। प्यार से धोखे तो ले लेंगे, वरना 2017 आ रहा है, कादों में किच्चर नहीं कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं। और आंदोलन किसके खिलाफ था? आंदोलन था मोदी सरकार के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी ने जब इस मामले को देखा कि अरे यार पटेल लोग, और गुजरात में 14% पटेल है लगभग, तो उन्होंने इनको पार्टी में भर्ती कर लिया। ना सिर्फ उन्होंने अपनी पार्टी में इनको शामिल किया बल्कि इनको स्टार प्रचारक भी बनाया और इनको घूमने के लिए पार्टी ने हेलीकॉप्टर भी दिया कि भैया पार्टी का प्रचार करो। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उनको लगा कि अभी दूर दूर तक कांग्रेस तो आने वाली नहीं है, तो क्यों ना मैं बीजेपी के साथ में जाकर अपना उल्लू सीधा कर लूं, और ये चले गए बीजेपी में। लेकिन आज जब बीजेपी की स्टार प्रचारक की लिस्ट आती है तो 40 नामों में इन जनाब का नाम कहीं भी नहीं है। हालांकि ये बीजेपी के निर्वाचित विधायक जरूर हैं, लेकिन इनको बूस्ट अप देने वाली पार्टी थी कांग्रेस, और ये कांग्रेस के ही खिलाफ चले गए। और ये कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद में इनके जो मेन रीजन थे वो क्या क्या थे पता है आपको? बोलते हैं कि पार्टी अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाती, पार्टी हिंदुत्व के खिलाफ है, पार्टी 370 पर भी मोदी जी के साथ नहीं थी, ये था वो था वो था, हजार तरह की चीजें थी। अरे लोग जब इसी तरह से पार्टी छोड़ते रहेंगे तो डिसीजन लेने वाले लोग तो वही रहेंगे। आप कोशिश करो कि आप उनमें घुसो जाकर के, जो लोग डिसीजन लेते हैं उस पोस्ट तक जाओ, आप बदलने की कोशिश करो चीजों को। लेकिन नहीं, आप बदलने वाले नहीं थे, आप तो सिर्फ अपने आप को संपन्न बनाने के लिए ही सारे काम करते हैं आप जैसे लोग। अगर कल को कन्हैया कुमार चुनाव हार जाए लोकसभा का और पार्टी उनको राज्यसभा ना भेजे, तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि कन्हैया कुमार भी किसी दिन बीजेपी में शामिल होंगे और कहेंगे कि भैया हिंदुत्व के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। ये तो इन लोगों की आजकल की विचारधारा हो गई है। सर देखो, मैंने सिर्फ आपको जो बातें थी, फैक्ट थे, वो आपको बता दिए हैं। अब बाकी फैसला आपको करना है, कांग्रेस गलत है या फिर ये लोग गलत है। दोस्तों इलेक्शन आ गए हैं, वोट सबको डालना जरूरी है, सब लोग वोट डालिएगा, जिसे चाहे उसको डालिए। मोदी जी अच्छे लग रहे हैं, मोदी जी को डालिए, राहुल जी अच्छे लग रहे हैं, राहुल जी को डालिएगा। मेरा काम आप तक सिर्फ सूचनाएं पहुंचाने का है, बाकी वो आपकी मर्जी है। ना तो राहुल जी गलत है और ना मोदी जी गलत है, मोदी जी अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, राहुल जी अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।